चक्रवर्ती सम्राट अशोक की वो कहानी जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी जयंती है और इनकी जयंती के उपलक्ष पर आज हम इनके जीवन के उन पहलुओं को जानेंगे जो आपने अब तक नहीं सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ सम्राटों के सम्राट, ये उपाधि केवल भारत में चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्हें ही मिली है। अपने महानतम शासक और मौर्य वंश के सबसे महानतम राजा के रूप में चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्हें जाना जाता है। इतिहास के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट अशोक ये युवावस्था में ही सम्राट बन गए, जिसे युवा सम्राट भी कहा जाने लगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो साम्राज्य और उनके साम्राज्य की जो मुख्य राजधानी रही वो पाटलिपुत्र रही और प्रांतीय राजधानी तक्षशिला और उज्जैन रही। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के महानतम उनके पराक्रम के परिचय आप इस बात से कर सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। 260वीं ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध होता है, इस कलिंग के युद्ध के अंदर में विशाल रक्तपात होता है, जिसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ की तलवार को छोड़कर बुद्ध उनके धम्म की दीक्षा ली और इसी दिन को चक्रवर्ती सम्राट अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। सम्राट अशोक ने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांधार जैसे 23 विश्वविद्यालय का निर्माण किया। पूरे विश्व से लोग इस विश्वविद्यालय में आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया और उस पर राज किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर तो दक्षिण के मैसूर तक था और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर तो पश्चिम के अफगानिस्तान तक था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य आज संपूर्ण भारत के साथ साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का ये विशाल साम्राज्य आज तक के सबसे विशाल साम्राज्यों में आज भी बना हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन के साथ साथ में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक और इनके मौर्य साम्राज्य में बुद्ध के 84,000 उपदेशों के प्रतीकों में 84,000 बौद्ध विहार और शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया, जो आज भी वर्तमान में हमको शिलालेख स्तंभ के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अशोक ने संपूर्ण एशिया और महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था सम्राट अशोक के साम्राज्य में बहुत मजबूत थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि पूरे विश्व में 35% की भागीदारी अकेले भारत की थी और वही वो दौर था जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जातिवाद, सुशासन और अपनी परिवर्तनवादी सोच के चलते सम्राट अशोक के साम्राज्य में जातिवाद का नामो निशान नहीं था। सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक के शासन किया और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा इन दोनों को बौद्ध भिक्षु बनाया और बौद्ध भिक्षु बनाकर इन्होंने श्रीलंका भेजा और श्रीलंका बौद्धमय हुआ। धीरे धीरे करते पूरा एशिया बौद्धमय हो गया। सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद में सम्राट अशोक का साम्राज्य 50 वर्षों तक चला, जिसका गौरव आज भी भारत मानता है। और सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन के अंदर में जिस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, आज वह ऐतिहासिक है, सुवर्ण अक्षरों में ये लिखा हुआ है और सम्राट अशोक का गौरव आज भी पूरा भारत मानता है। सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य पर फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और सम्राट अशोक का जैसा साम्राज्य है, ऐसी साम्राज्य की कल्पना आने वाले समय में भविष्य में भारत जरूर करेगा। इस स्पेशल रिपोर्ट को लेकर क्या आपका मानना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।